15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल गोरखपुर जंक्शन राजेश कुमार सिन्हा एवं प्रभारी निरीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस उपेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म एवं परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टेशन पर कार्यरत करीब 45 कुलियों के साथ बैठक की। बैठक में कुलियों को बताया गया कि सभी कुली रेलवे के महत्वपूर्ण अंग है और प्रतिदिन रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रेन एवं परिसर में यात्रियों के बीच कार्य करने की वजह से आप लोगों को सहजता से बहुत सारी बातों की जानकारी होती रहती है। यदि कार्य के दौरान रेलवे परिसर प्लेटफॉर्म ट्रेन सहित अन्य जगहों पर कोई भी संदिग्ध या लावारिस वस्तु या व्यक्ति दिखाई देते हैं या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तत्काल RPF या GRP को सूचित करें ताकि समय से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में पुलिस के मुख्य रूप से सुभाष पासवान, राम सहाय, सोहन लाल, सलमान, इमरान, ब्रह्मदेव, बेचन, मोहन लाल सहित अन्य कूली और रेलवे के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी निरीक्षक GRP उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क के पाए जाएंगे उनके देखते हुए RPF और GRP द्वारा कुलियों की बैठक की गई जिससे सतर्कता और सावधानी पूर्वक के कोई संदिग्ध वस्तु देखे हम लोग अवगत कराए। तो अभी प्लेटफॉर्म पे जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, अब प्लेटफॉर्म पे अभी कोरोना 2 घंटों पर टेस्ट हो रहा है और बाहर से आने वाले भी जो भी यात्री स्वेच्छा से करा रहे हैं अपना टेस्ट उनका टेस्ट कराया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिगत GRP कितना प्रवास आने जाने वाली विशेष उत्तर बिहार से ट्रेनों की जांच कराई जा रही है, चेकिंग कराई जा रही है। 15 अगस्त को देखते हुए ट्रेनों में क्या व्यवस्था, ट्रेनों अभी तो वही चल रहा है रिजर्वेशन वाला, अभी सामान टिकट नहीं चालू हुई है ना। GRP के जवान जो है ट्रेनों में सुरक्षा के मद्देनजर क्या काफ़ी ट्रेनों में हमारा स्पोर्ट चलता है, वो अपना उनको सचेत भी करते रहते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा गेट पे मोबाइल न चलावें या गेट के बाहर खड़े गेट पे खड़े होते मोबाइल न देखें, चक्को छुरो द्वारा झटका मार के या डंडा मार के आया भी जाता है मोबाइल, इसलिए उनको हमारे जवानों द्वारा दिया जाता है। जो यात्रा कर रहे हैं यात्री उनसे क्या कहेंगे आप? जो यात्रा कर रहे हैं उनसे यही कह रहे हैं कि वो अपनी यात्रा के समय अपना सामान व मोबाइल सुरक्षित रखें, खिड़की के पास अगर बैठे हुए हैं उसको बंद करें, सीट खिड़की बंद करके चलाएं मोबाइल, क्योंकि बाहर ट्रेन खड़ी रहती है तो लोग हिचक भागते भी हैं ज़्यादा आउट स्टेशन से, जैसे डोमिनगढ़ हुआ आपका, छावनी हुआ, सहजनवा हुआ, गाड़ी अगर खड़ी हो गई और खिड़की के पास आप मोबाइल चला रहे हैं रात का समय है तो निश्चित उचक के द्वारा झटका मार पाना, सावधानी बरतें अपने। हाँ, पूरी सावधानी रहें, सामानों विशेष ध्यान दें।